अभी हो रहा है शाम, कितना 5 बज गया है और इन लोग जा रहे हैं अपने दोस्त के बर्थडे में। और ठंडी इतनी है फिर भी जो है जाएंगे ही। बाबू तुम ऐसे क्यों खड़े हो? हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। फ्रेंड्स, अभी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे आपके पास बैठी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है, 6 बज रहा है और हम लोग का यहाँ आग जला हुआ है और साथ में ये कॉफी और ये अंडा बॉयल किया हुआ चल रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे चाय कॉफी चल रहा है और साथ में ये आग का गर्माहट। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा हाथ गरम कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे किचन में और बनाना है खाना। खाना क्या बनेगा अभी कुछ पता नहीं है, तो यहाँ से उठने के बाद जो है सोचना है। और बच्चे गए हैं बर्थडे में अपने दोस्त के घर, तो घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है और हस्बैंड भी अभी मार्केट में है, तो हम लोग दोनों सिर्फ यहाँ पे बैठ करके और आग जलाकर हम लोग सेक रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंडी है आजकल। आजकल ऐसी ठंडी है ना कि मतलब ये आग जलाकर ही बैठने में अच्छा लगेगा। वैसे तो लाइन है, हीटर है, लेकिन उसमें इसमें जो मजा है ना, उसमें मजा नहीं आता है। तो थोड़ा धुआं, थोड़ा आग, आंख में आंसू, ये सब रहता है तो मजा आता है। और देखिए कि किस चीज में जो है आग जल रहा है। ये कढ़ाई है, बहुत पुराना कढ़ाई रखा हुआ था, बहुत ही पुराना है, मतलब 30 साल 40 साल पुराना कढ़ाई होगा। तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो उसी में आग जलाकर बैठे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, आज डिनर बन रहा है ये मटन पाया। तो मटन पाया सूप बनाने जा रही हूँ, जो कि ठंडी में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ बता दे रही हूँ कि ये जो वीडियो है ना, ये एक दिन पहले के शाम का है। तो तो चलिए, फ्रेंड्स, ये 4 है लेग पीस, मटन लेग पीस है ये, तो ये 4 है। और ये रहा खड़ा गरम मसाला, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और 8-10 काली मिर्च, लौंग, दालचीनी। और उसके बाद इधर आ जाइए, ये रहा सबसे पहले प्याज 3 बड़े साइज़ का, और ये लहसुन 2 है छिला हुआ, अदरक 1 इंच है कूचा हुआ है, और ये धनिया पत्ती, हरी मिर्च और ये सूखी लाल मिर्च, और ये खड़ा लहसुन। ये सूखी लाल मिर्च और खड़ा लहसुन ना बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। तो ये सब था इंग्रेडिएंट्स। और यहाँ पे कुकर में है पानी जो कि बॉयल हो चुका है, तो अब सब इसमें डाल दिए जाएंगे। एकदम सिंपल रेसिपी ये रहा। तो ये सारे चीज इसमें डाल देंगे और उसके बाद डालेंगे तेजपत्ता और आधी छोटी चम्मच हल्दी, और इसमें तेल डाल देंगे, अपने अंदाज से डाल दीजिए। और उसके बाद जो है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और ये सब डाल करके, और उसके बाद जो है इसका ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद सीटी आ जाएगा, एक सीटी ना,
तो उसके बाद जो है लो फ्लेम पे इसे 15-20 मिनट तक पकाना है, गलाना है अच्छी तरह से। तो चलिए 15-20 मिनट के लिए अब उसे चढ़ा करके फुर्सत मिल गया, अब दूसरा काम में लग जाती हूँ। तो पहले यहाँ पे सब साफ़ सुथरा कर लेती हूँ स्लैब, क्योंकि काम करते हुए स्लैब को साफ करती रहती हूँ ना, तो अच्छा फ्रेश रहता है। तो फ्रेंड चलिए 20 मिनट हो गया है, अब खोल कर देखते हैं कि इसका क्या हाल है। तो इसे ठंडा थोड़ा हो जाने के बाद ही खोलिएगा, पूरी तरह से गैस जब निकल जाएगा ना तब, क्योंकि अच्छी तरह से वैसे गल जाता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पतला सा दिख रहा है, तो इसे और थोड़ा गाढ़ा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये गल तो गया है अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, लेकिन अभी इसमें जो ग्रेवी है बहुत पतली है, तो इसे गाढ़े करना है। तो थोड़ा सा और इसका पानी जो है सुखा लेंगे। थोड़ा सा सुखाएंगे, वैसे भी इसका जो ग्रेवी होता है ना थोड़ा पतला अच्छा लगता है, तो इसलिए हल्का सा सुखाएंगे। तो फ्रेंड इतना गाढ़ा रहेगा, और ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो इसे अब उतार देंगे। एक चीज़ डालना भूल गई थी, टमाटर। तो अब उसके लिए अलग से फ्राई करके डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर के बगैर अच्छा टेस्ट नहीं लगता है, थोड़ा फीका फीका लग रहा है, टेस्ट करके देखा मैंने। तो चलिए थोड़ा सा तड़का लगा लेते हैं ऊपर से, और इसे ढक कर छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा तेल डालने के बाद ना इसमें डाल देते हैं, एक बड़े साइज़ का ये टमाटर है, और इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, और उसके बाद धनिया पत्ते, और इसे ढक करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ये सॉफ़्ट हो जाएगा। तो चलिए टमाटर गल करके सॉफ़्ट हो गया है, और अब इसे चला लेते हैं। तो ये देखें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गया है, इसे मिला लेंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे अब कलर आ जाएगा। आप नहीं भी डाल सकते हैं अगर नहीं है तो, और गरम मसाला थोड़ा सा, तो ये दोनों चीज़ ऑप्शनल है। वैसे तो गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला उसमें डला हुआ है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो बस ये देखें भुन गया है, और इसके बाद जो है इसको उसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मेरा पाया सूप जो है तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स इसका कितने रेसिपी हैं, कई तरह से बनाए जाते हैं, तो ये पाया मसालेदार भी बनता है। अगर कभी मैं बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शेयर करूं या नहीं। तो चलिए ये देखिए मेरा पाया सूप तैयार है, और बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो सब धनिया पत्ती डाल करके मैंने उसे बंद कर दिया है, और चलिए यहाँ पे बनने लगा है फटाफट से रोटी। तो गर्मा गर्म रोटी सादी रोटी के साथ ना बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ये पाया सूप जो है ना, घुटनों का दर्द और पैर में जो दर्द होता है ना, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसे ठंडी में ज़रूर बना करके खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स खाना बन गया है एकदम सिंपल तरीके से, आपने देखा ना कि ये बनाना कितना आसान है, और बस टाइम सिर्फ लगता है गलने में, 15-20 मिनट तक आराम से छोड़ दीजिए सब कुछ डाल करके, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए खाना लगाते हैं सबका, खाना का टाइम हो गया है। हस्बैंड तो खा लिए पहले, उनको भूख लगी थी तो उनको दे चुके हैं, और हम लोग का है ये, तो चलिए खाना लगाते हैं। फ्रेंड्स खाना पीना हो गया था, और आ गई थी किचन में किचन को समेटने के लिए। तो जब तक साफ़ सफाई करके ना सोइए तो नींद नहीं आती है सुकून से, क्योंकि सुबह उठ करके लंच वगैरह भी बनाना रहता है, तो किचन साफ़ मिलता है सुबह ना, तो मूड फ्रेश हो जाता है किचन देख करके। तो अभी सब कुछ भिगोना रहता है, बादाम वगैरह वो डाल करके मैं अब किचन को बंद कर दूँगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।